हमारे राज्य के किसानों को आय का एक सशक्त स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। झारखंड की पहचान जंगलों से रही है। यहाँ के वनों से लाह, साल, शहद, इमली, तसर, सिल्क, महुआ आदि जैसे अनेक उत्पाद बहुतायत में प्राप्त किए जा रहे हैं। उचित संग्रहण एवं बाजार की व्यवस्था के अभाव में आज हमारे ग्रामीण किसानों को इसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार सिद्धू कानू कृषि एवं वनोत्पाद सहकारी महासंघ का गठन करने का निर्णय लिया है। महासंघ के अंतर्गत पंचायत स्तर पर प्राथमिक सहकारिता समिति का गठन किया जाएगा। इन प्राथमिक समितियों के माध्यम से कृषि उपकरण बैंक का भी संचालन किया जाएगा। उन्नत सड़क का घनत्व राज्य के विकास का मानक होता है। पथों का घनत्व बढ़ाने का सीधा असर उत्पाद, गरीब उन्मूलन की दर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं की डिलीवरी पर पड़ता है। राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पथों का महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने के उन्नयन एवं विकास पर लगातार बल दे रही है। इस वर्ष लगभग 9900 किलोमीटर एवं 25 पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। किसी भी सरकार अथवा शासकीय व्यवस्था के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने कार्यों में पारदर्शिता, आम जनता की सेवा तक पहुंचाने की सुगमता और जनता से संवाद स्थापित करने की दिशा में किस ढंग से प्रयास कर रही है। ई गवर्नेंस के माध्यम से हमारी सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी आवश्यक जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाने का काम कर रही है। हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हर किसी का अधिकार सुरक्षित हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का संपूर्ण विकास हो। मैं राज्य की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि राज्य की सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, समाज कल्याण आदि विभागों में अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं। हमारी सरकार इन कर्मियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कटिबद्ध है। विभिन्न विभागों में आप अनुबंध कर्मियों की समस्याओं को समझते हुए व्यापक निर्णय के लिए हमने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय भी लिया है।